बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। ये जो रोड है, ये नेशनल हाईवे बिन कासिम टाउन कराची नेज स्टील मिल चुरंगी। आप इस रोड के ऊपर जो पानी देख रहे हैं, ये कोई बारिश का पानी नहीं है। ये पानी की लाइन जो तकरीबन 72 इंच की होती है, वो फट गई है। और ये उस लाइन का पानी है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोड फुल चल रहा है और ये पानी कितना है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने क्यूसिक पानी है। ये सारा पानी जो है आगे जाके नाले में गिर रहा है, जिसकी वजह से ये नेशनल हाईवे जो है ये भी ख़राब हो गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ किस तरह इसमें फंस फंस के चल रही हैं, और दरमियान में खड्डे पड़ चुके हैं। ये हमारा जो नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर हमारे MNS MPS वगैरह भी सफ़र करते हैं, जो ठट्ठा बदीन सजावल से कराची कॉर्नर हाउस तक आना जाना करते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, तमाम इदारों के अफसरान का इस रोड पे सफ़र होता है, मगर इसके बावजूद भी कोई सुनता ही नहीं है। और ये वो पानी है कि अगर इसकी तरसील हमारे कराची शहर के लिए की जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम गंदा पानी हमारी आवाम इस्तेमाल करें। नालों का पानी जो टैंकरों की माफिया की मदद से कराची में सप्लाई होता है, वो पीने पर मजबूर हो। ये तकरीबन 200 फुट से चौड़ा रोड है, और ये फुल भरा हुआ चल रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये हमारे पीने की लाइन है 72 इंच वाली, वो फटी हुई है, मगर कोई इस तरफ देखने वाला नहीं है। ये गाड़ी ख़राब हो गई है, इसके शायद एक्सल टूट गए हैं, और तकरीबन इस पानी को भी तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, मगर कोई इस तरफ देखने वाला नहीं है। हुक्मरान कुर्सी कुर्सी खेलने में लगे हुए हैं, और कोई भी इस तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, जो जो इस वीडियो को देखे उसको शेयर करें, ताकि ये आला हकाम तक पहुंच सके। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।